हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवा क्रांति संगठन रानीवाड़ा द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कस्बे में विशाल भजन संध्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की गई। विशाल भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार प्रकाश माली एंड पार्टी व सोहनलाल एंड पार्टी ने बुधवार को रात्रि के 8 बजे भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसी तरह मठ महंत प्रतापपुरी महाराज व आचार्य गोवर्धन राम महाराज ने धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन दिए। एक शाम भगवा क्रांति संगठन के नाम विशाल भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली ने देर रात तक भजनों की सुर सरिता में देवनगरी के श्रोताओं को गोते लगवाकर भक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की भावधारा में बहाकर भरपूर दाद बटोरी। धोरा धरती और राजस्थान के सुरवीरों का गुणगान, देशभक्ति, प्रभु कृष्ण की लीला से लेकर मीरा भोलेनाथ एवं प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करते हुए मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग आदि अनेक गीत भजनों की सुरीले कंठ से प्रस्तुतियां दी। भजन गायक प्रकाश माली ने अपनी प्रसिद्ध रचना सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, जय धरती माँ जय गो माता गूंजता रहा मंत्र महान, और भजन इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा हे गोपाला। माली ने राष्ट्रीय भावधारा के अनुरूप गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हम भगवा फहराएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला आदि कई रचना सुनाकर भरपूर तालियां बटोरी और माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इसी प्रकार हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कठे सुनाकर राजस्थानी गौरव गाथा का गुणगान किया। वहीं पन्ना काली व अंधियारी रात सोहनलाल ने अर अर पन्ना काली व अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नानो सो उदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सु एकली चली कुंभलगढ़ ताई चाल पड़ी बोल पर कविता सुनाई। विशाल भजन संध्या में देर सवेरे तक चली भजन संध्या, गायक प्रकाश माली व पन्ना काली व अंधियारी रात सोहनलाल ने वीर भगवान की शान में भजन अरे भूमियों चरने आयोरी लजिया रख जो मीठो घणो लागे माने वालो घणो लागे राम जीरो नाम। नगर में जोगी आया भजन सुनाए, सभी अतिथियों का भगवा क्रांति के संस्थापक तनु सिंह देवड़ा व टीम ने स्वागत कर आभार जताया। वहीं तनु सिंह देवड़ा का देवल व देवासी ने साफा पहनाकर सम्मान किया तो पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भगवा क्रांति संगठन रानीवाड़ा द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भजन संध्या में विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व विधायक रतन देवासी, पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह देवड़ा, गणपत सिंह राठौर, रमेश आंजना, रघुवीर सिंह तामलोर, जिला परिषद सदस्य रमीला मेघवाल, डॉक्टर कविता देवासी, दीपेंद्र सिंह पीथापुरा, धीरज करण सिंह, कालू सिंह, सीए प्रवीण परिहार व सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। एक मंच पर मुस्कुराते रहे देवल व देवासी। विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी रहने वाले भाजपा रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल व कांग्रेस के पूर्व विधायक रतन देवासी भजन संध्या में एक मंच पर एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आए, कई मर्तबा एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करते दिखे। वहीं दोनों दिग्गज नेताओं का एक साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करना चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवा क्रांति संगठन के संस्थापक तनु सिंह देवड़ा ने तारा तारा मठ महंत प्रतापपुरी महाराज, आचार्य गोवर्धन राम महाराज व देवल व देवासी का भव्य स्वागत किया। सभी ने भगवा क्रांति संगठन द्वारा भजन संध्या के भव्य आयोजन करने पर सराहना। शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। भगवा क्रांति संगठन रानीवाड़ा द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला आमजन को आकर्षित कर रहा था। साथ में बैंड बाजों एवं डीजे की धुन में थिरके युवा देखने को ही बनते थे। शोभा यात्रा का आयोजन भगवा क्रांति संगठन की ओर से किया गया। यात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में शाम को 5 बजे शुरू हुई। ये गरबा चौक, बड़ा चौहटा, सदर बाजार, रेलवे स्टेशन, सांचो रोड, बाईपास रोड, राणा प्रताप चौक होते हुए वापस खेल मैदान में विसर्जित हुई। सदर बाजार में शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर व्यापारियों ने पुष्प बरसात कर मान बढ़ाया।
शोभा यात्रा में हिंदू युवा वाहिनी व सनातनी धर्म प्रेमियों द्वारा रैली में भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए। बड़ी संख्या में युवा भगवा गमछा पहनकर हाथों में ध्वजाएं लेकर श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। चप्पे चप्पे पर प्रशासन रहा मुस्तैद। शोभा यात्रा एवं भजन संध्या में पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद अग्रवाल, पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मसूरिया, तहसीलदार चमनलाल सियोल, थाना अधिकारी पद्माराम राणा सहित करडा पुलिस का जाप्ता तैनात रहा। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।